किया, रैली में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आशा कार्यकर्ता द्वारा एकत्रित होकर नगर में रैली निकालते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे और जहां मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके जरिए उन्होंने अपनी मांगे बताई। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार उन्हें सिर्फ प्रोत्साहन राशि देती है, पर उनकी मांग है कि सरकार को उन्हें मानदेय देना चाहिए। मांगे न मानने पर आशा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। मैडम को और उन्होंने फॉर्म रख लिया, हमारा लेटर रख लिया और उन्होंने कहा कि जब तक एसडीएम सर नहीं आते हम लोग आपको परमिशन नहीं दे सकते कि आप धरना दो। हमने भी ज्ञापन दिया है कि हमारी सैलरी होनी चाहिए। हम जो आशा कार्यकर्ता की जॉब कर रहे हैं इसमें हमें वेतन नहीं मिलता है और प्रोत्साहन राशि मिलती है वो भी 4 महीने या 6 महीने के समथिंग आती है, तो इस बीच और वो भी आधी आती है। इस बीच हम हमारे बच्चों को क्या खिलाएं क्या नहीं करें और